नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टेक चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको मोंटेयर एलसी टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस टैबलेट का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस, कंटेंट, साइड इफेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको मोंटेयर एलसी टैबलेट के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो मोंटेयर एलसी टैबलेट, इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो इसकी मार्केट प्राइस 278 रुपये है और यह 15 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसको सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। सिप्ला कंपनी बहुत ही मशहूर कंपनी है। यह टैबलेट आपको हर एक मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो इसमें मोंटेल्युकास सोडियम और लिबोसिटिजिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। इसके प्रत्येक टैबलेट में मोंटेल्युकास सोडियम जो कि 10 mg होता है और लिबोसिटिजिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि 5 mg में होता है। तो आइए जानते हैं मोंटेयर एलसी टैबलेट के यूजेज के बारे में, इसका इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो यह एक एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जी ग्रुप की दवा है। इसका इस्तेमाल एलर्जी की प्रक्रिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। एलर्जी के कारण खांसी आना या गले में खराश होना, नाक से पानी बहना या आँख से पानी बहना, इसके अलावा बार बार छींके आना, सर्दी जुखाम, इन सब समस्याओं को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एलर्जी के कारण शरीर में खुजली हो रही हो, दाने निकल रहे हों, तो उसे भी ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी कारण से अगर एलर्जी हो गई हो, चाहे वह किसी दवा को खाने से हो गई हो या धूल मिट्टी से हो गई हो, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो गई हो, तो उसे ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस टैबलेट का इस्तेमाल अस्थमा की समस्या को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इस टैबलेट में जो मोंटेल्युकास सोडियम और लिबोसिटिजिन हाइड्रोक्लोराइड है, यह हमारे शरीर में एलर्जी की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार प्राकृतिक पदार्थ हिस्टामिन को रोकने का काम करता है, जिससे कि एलर्जी ठीक हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं मोंटेयर एलसी टैबलेट के डोज के बारे में, इसको कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो इस टैबलेट को एक एडल्ट व्यक्ति खाना खाने के बाद एक गोली ले सकते हैं दिन में एक बार। इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें, तभी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है और समस्या जैसी हो उस हिसाब से डोज अलग अलग हो सकता है। तो जितने दिन तक डॉक्टर्स कहें उतने दिन तक ही इसका इस्तेमाल करें। और आइए जान लेते हैं मोंटेयर एलसी टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि नींद आना, चक्कर आना, दस्त की समस्या, मुंह सूखना, इसके अलावा थकावट महसूस होना, सर दर्द होना, इसके अलावा इस टैबलेट के जो साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे कि जी मचलाना, उल्टी होना और कुछ एलर्जी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में खुजली होना, दाने निकलना, लाल चकत्ते होना। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सबको नहीं होते हैं। तो यह थी हमारी आज की जानकारी मोंटेयर एलसी टैबलेट के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।